खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श चुनाव आचार संहिता को लेकर उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजित प्रेस वार्ता में उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने में प्रेस का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसीलिए पत्रकारिता गाइडलाइन के मुताबिक उचित तरीके से खबरों का प्रकाशन और प्रसारण करें। इसके तहत ही उपखंड अधिकारी ने बताया कि कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, जो प्रशासन के साथ मिलकर दिन रात काम करेगी। हनुमानगढ़ से राज रतन पारिक की रिपोर्ट। आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शेड्यूल जारी कर दिया है, उसके तहत आज यहाँ मीडिया के साथ मीटिंग ली गई और उनको सेंसिटाइज किया गया। उनको बताया गया किस तरह एमसीएमसी काम करती है, किस तरह सी विजिल काम करता है, और ये अपेक्षा की जाती है कि जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं उसके अंदर आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा, और आप सभी जो आईटी एक्ट है और जो अपने पत्रिका जो न्यूज़पेपर की गाइडलाइन होती है उसके तहत कार्य करेंगे, और प्रशासन को भी इस तरह से मदद करेंगे कि कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए हमने यहाँ पे 3 FST लगाई जो राउंड द क्लॉक काम करेंगी। 3 SST लगेंगे जब जिस दिन वो आ जाएगा नोटिफिकेशन, 20 तारीख से नोटिफिकेशन आ रहा है। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारे 32 है जिस और सेक्टर में साथ में जो CO साहब है उनके साथ और डीसी साहब से उनके जो क्रिटिकल बूथ होते हैं उनकी समीक्षा की जा रही है।